डेयरी संचालकों पर नगर निगम अब अपना शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि डेयरी संचालक लगातार देखने में आ रहा है कि राजधानी देहरादून को गंदा करने से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डेयरी संचालकों का जो गोबर का पानी है उसको नाली में छोड़ देते हैं और ऐसे में डेयरी संचालकों पर अब नगर निगम कार्रवाई करने जा रहा है। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा की माने तो उनका कहना है कि नगर निगम समय समय पर ऐसे डेयरी संचालकों पर लगातार कार्रवाई भी करता है और अभी नगर निगम का एक ऐप भी बनाया जा रहा है जिससे जो लोग नालियों में गोबर डालते हैं और जो जानवर दूध देना बंद कर देते हैं उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं, ऐसे डेयरी संचालकों पर एक्ट बनने से जरूर सख्ती होगी। और देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कार्रवाई निगम लगातार उनके खिलाफ भी करता है और अभी हमारा एक एक्ट बनने जा रहा है, उसमें जो है काफ़ी चीज़ें जो है ये जो नाली में गोबर बहाते हैं और जानवरों को जब दूध देना बंद कर देते हैं तो उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, इन सब जो एक्ट बन जाएगा तो मुझे लगता है कि उससे जो है ना तो कोई ऐसे छोड़ पाएगा और ये जो नाली में गोबर बहाने वाला है इन चीज़ों पर भी अंकुश लगेगा।